serve the society. Abham, Shri Satya Sai Health and Education Trust ke adhyaksh Dr. C. Srinivas ko hame sambodhit karne ke liye aamantrit karte hain. Dr. C. Srinivas, Shri Satya Sai Sanjeevani Global Centers for Child Heart Care ka netritv kar rahe hain. चिकित्सा महाविद्यालय के श्री सत्य साई राजेश्वरी स्मृति खंड का नामकरण उनकी माताजी स्वर्गीय डॉक्टर सी राजेश्वरी की स्मृति में रखा गया है, जिन्होंने श्री सत्य साई जनरल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड की स्थापना की थी और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया था. डॉक्टर सी श्रीनिवास. Offering our most reverential, respectful and devoted pranams at the feet of the founding father, Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Most beloved, revered and our heartthrob, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Respected dear elder brother Baswaraj Bommaiji, a son of Karnataka, and the Honorable Chief Minister. Dear brother K. Sudhakar, dynamic leader and Minister for Health, Government of Karnataka. Revered Sadguru Madhusudan Sai Ji, beloved brother Narasimha Murthy Ji, distinguished ladies and gentlemen from over 50 countries physically and virtually present in this most memorable celebration of the first totally free of cost medical college to come up in the holy state of Karnataka, in the holy land of Chikbalapur, where the first Bharat Ratna of India, Sir M. Vishveshwaraya, lives in his presence. Students, faculty of so many institutions spread in so many parts of India and in many parts of the world. Param Priya Narendra Bhai Ji, बात शुरू हुई 1960 और 70 के बीच में, जब देश की महान सेवक गोविंद नरहर गनपुले, जो देश की सेवक सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करते थे, वो आखिरी दिनों में व्हाइटफील्ड आना हुआ और यहाँ निवास करने का संकल्प लिए थे. वहाँ एक सुपुत्र कर्नाटका मैसूर स्टेट की श्री आर आर दिवाकर के संबंध से भगवान श्री सत्य साई बाबा की दर्शन पे आए, तो उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी सारी जीवन देश की सेवा में समर्पित हो गया, आखिरी दिन भी मैं स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि मैं अभी एज बढ़ रहा है, कि मैं हेल्थ सेवाएं देश को प्रदान करे करके वो बाबा से प्रार्थना की. तो बोले बाबा को, बाबा आप तो नौजवान हैं, मैं तो उम्र में बड़ा हो गया, आप कृपया ये छोटी सी जमीन में शुरुआत आपकी निशुल्क सेवाएं शुरू करें. तो बाबा ने स्वीकार किया कि बोले मेरा तो काम ही देश का सेवा है, मैं जन्म लिया देश की सेवा के लिए, तो ये मेरा कर्तव्य है. और फिर स्वीकार करने के बाद मुझे देखे, मैं फर्स्ट ईयर उनकी कॉलेज का छात्र था और उनकी प्रश्न था, तुम्हारी माँ कब आ रही है इधर? तो बाबा जानते थे मेरी माँ अफ्रीका में जंगलों में सेवा कर रही थी, तो हर 15 दिन यही प्रश्न पूछते गए कि तुम्हारी माँ कब आ रही है इधर. तो एक साल बाद
मेरी माँ व्हाइटफील्ड आना हुआ, तो हम तीन ये गाड़ी में जाके ये ज़मीन पे उतरे और बाबा ने बोला, मैं इसलिए बुलाया तुमको, यहाँ आप काम करिए, यहाँ से हम देश की सेवा शुरू करेंगे। तो माँ हाथ जोड़ के बोली, बाबा आपने बोला अस्पताल, मगर यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है। धरती माता तुम्हारी अस्पताल है, आसमान तुम्हारा अस्पताल का छत है, यहां से तुम सेवा शुरू करो। तो भाई साहब 1970 में जो शुरू हुआ, आज के दिन जो आप मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां सत्य साई की प्रेम की सेवाएं नहीं पहुंचा है। सारी देश में गांव-गांव से लेके सच्चे साई की निशुल्क निस्वार्थ क्वालिटी सेवा अभी उपस्थित है। अभी आप सदगुरु मधुसूदन साई तो एक अनेक ऊंची स्थिति पे लेके गए, उन्होंने आदेश दिया कि डॉक्टर्स भी हम ऐसे बनाना जो देश की सेवक हो। तो मेडिकल एजुकेशन जो मधुसूदन साई जी शुरू कर रहे हैं, एक तो होता है मेडिकल, जो बाबा बोलते थे टाइमली होना चाहिए, टाइमलेस भी होना चाहिए, और एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो मैन मेकिंग होना चाहिए। बाबा का आदेश था और उनकी जीवन समर्पित थी कि एजुकेशन में मैन मेकिंग होना चाहिए, देश की सेवा का एक ऊर्जा हर एक बच्चे की दिल में उत्कृष्ट होना चाहिए। सो ये है सदगुरु मधुसूदन साई की यूनिक मेडिकल कॉलेज। इससे एक बड़ी भाग्य क्या है कि द मोमेंट इज टुडे द मोमेंट ऑफ इंडिया एंड द मैन ऑफ द मोमेंट नन अदर देन बिलवेड डियर ब्रदर नरेंद्र मोदी जी इज हियर टू इनॉग्रेट द वन ऑफ इट्स ओनली काइंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कॉलेज। मे आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड इन ओवेशन and respect to this great son of India in dedicating ourselves to Mother India in its services. Jai Bharat, Jai Karnataka, and Jai Sai Ram. Vasudeva Kutumbakam, one earth, one family, one future. The ancient Indian thought of Vasudeva Kutumbakam recognizes the interconnectedness of all creation and has been adopted as the theme for this year's G20 summit under the leadership of our dearest Prime Minister. It is this vision that is reflected in the numerous mammoth societal initiatives established by Sadhguru Shri Mathusudan Sai, which provide free education, free healthcare, free nutrition, and free social care services, not only in India, but across 33 countries around the world. We now pray to Sadhguru Shri Mathusudan Sai Ji, founder Shri Mathusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, for his benedictory message. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। इस अमृत काल में अमृत भारत की परिकल्पना के इस स्वप्न को साकार करते हुए श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का इस पंचगिरी प्रदेश मुद्दनहल्ली की पुण्य भूमि में बहुत बहुत स्वागत है।
बाबा ने इस भूमि को तपोभूमि का नाम दिया और यहाँ के त्याग जीवियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखकर समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर इसे त्याग भूमि का नाम दिया। और अब ये सेवा भूमि ही नहीं, सिद्ध संकल्प भूमि बन गई है, जहाँ पर कोई भी निस्वार्थ संकल्प जब भी लिया जाता है वो अवश्य पूर्ण होता है। एक साल पहले इसी मंच पर गृह मंत्री जी की उपस्थिति में हमने एक संकल्प लिया था कि अगले साल माननीय मोदी जी के हाथ से ही इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना चाहिए। और एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं इस सेवा का लोकार्पण करने के लिए। केवल 20 दिनों के अंदर आमंत्रण से उद्घाटन तक ये कैसे संपन्न हुआ, इसका एकमात्र कारण प्रधानमंत्री जी का स्वभाव कि कोई भी सत्कार्य हो उसे वो पूरा सहकार देते हैं, उसको सराहते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। केवल 20 दिन के अंदर उन्होंने निश्चय किया और उनकी इतने व्यस्त शेड्यूल में भी उन्होंने समय निकालकर आज वो हमारे साथ यहाँ पर है। इसके लिए हम सभी सभा के जितने भी सदस्य हैं, संस्था के सदस्य हैं, सभी उनके सदैव आभारी रहेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपके हाथों ऐसी संस्था का लोकार्पण हो रहा है। एक छोटी सी बच्ची 7 साल पहले प्रीति नाम की, इसी मुद्दनेली गांव की, उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर वो कन्नड़ा मीडियम में शासकीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी और उनके पिता रसोइये का काम करते हैं तो उनको पढ़ाने में भी असमर्थ थे। तब हमने कहा क्यों बनना चाहती हो आप डॉक्टर, तो उन्होंने कहा मैं गाँव में जाके सेवा करना चाहती हूँ। हमने कहा आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको अवश्य ये अवसर हम प्रदान करेंगे। और आज 7 साल बाद वो डॉक्टर हैं और हमारे ही संस्था में पहुंच चुकी है। तब ये सोच आए कि कैसे गांव के बच्चों में जिनमें सामर्थ्य है, शक्ति है, श्रद्धा है और समाज सेवा करने की प्रेरणा भी है, उनको कैसे ये अवसर प्रदान किया जाए, कैसे निःशुल्क प्रदान किया जाए, इस पर कार्य चलता रहा। और आज उसके परिणाम स्वरूप ये चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र तैयार हुआ और ये माननीय मोदी जी का निजी संकल्प है कि वो यहाँ पर आए। मुझे पता है कि ये उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से कि इसको आकर मुझे ही समर्पित करना है और उन्होंने जो बात मुझे कही थी वो बात आपने रखी है, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। सरकार, समाज और संस्था, ये तीनों इकाइयां जब मिलकर काम करेंगी तो ये अमृत काल में अमृत भारत का निर्माण जरूर संभव है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही समय है, सही समय है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है भारत को विश्व की चरम सीमा पर पहुंचाने का, और उनके नेतृत्व में ही ये संभव है। यदि ये भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव नहीं तो किसी और देश में किसी के भी नेतृत्व में संभव नहीं है। आज मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है और राजेश्वरी माँ की स्मृति में यहाँ के जो विद्यार्थी आगे शिक्षक चिकित्सक बनेंगे वे उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़कर देश सेवा करेंगे, ये मेरा मानना है। और इसी उद्देश्य से इस अस्पताल की व संस्थान की स्थापना की गई है। मैं एक मिनट लेते हुए हमारे देश विदेश से आए कई भाई बंधु जो हैं जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करके इन संस्थाओं का निर्माण व संचालन करने का बीड़ा उठाया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ लोगों को धन्यवाद आपकी अनुमति से देना चाहता हूँ जिनको आपकी नाम पर कुछ प्रतीक चिन्ह मिलना है लेकिन वो समयाभाव के कारण इस कार्यक्रम के उपरांत दिया जाएगा। सबसे पहले मैं श्रृंगेरी शारदा पीठम के जगतगुरु महासन्निधानम भारती तीर्थ स्वामी जी एवं दिव्य सन्निधानम विदुशेखर भारती जी स्वामी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही मैं श्री निर्मलानंदनाथ स्वामी जी, श्री आदि चिंचनगिरी महासंस्थान के, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया है हमारा। बी नारायण राव जो हमारे वरिष्ठ त्यागजीवी हैं उनका भी अभिनंदन। और हाँ, वी हैव सम मेजर पैटर्न्स, इफ़ आई डू नॉट मेंशन देम आई थिंक आई विल फेल इन माय ड्यूटी, श्री सीताराम जिंदल, श्री ए बालसुब्रमण्यम, डॉक्टर महाबलेश्वर, श्री अरविंद डिसिल्वा, श्री सुनील गावस्कर, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, जे ए चौधरी गारू, बी सी प्रभाकर गारू एंड अवर सी एस आर पार्टनर्स, आदित्य बिरला ग्रुप, जी एंटरटेनमेंट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, फानुक इंडिया, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, वेस्टर्न डिजिटल, डेल, इन्फॉर्मेटिका, सेवर ट्रैवल, ICICI फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ASM टेक्नोलॉजीज, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, VRL लॉजिस्टिक्स एंड अमेजॉन वेब सर्विसेज, अवर आर्किटेक्ट्स BR रविशंकर, किरण कुमार श्रीवत्सन के, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड केशव मूर्ति, पी पुरुषोत्तम मुत्याला, अनिल एंड सागर,
बसवन गौड़ा, शिव प्रसाद, विद्यासागर और केशव गौड़ा जी, हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नागेंद्र कुमार एन, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट नागेंद्र जी, आर के सुब्रमण्या हमारे ट्रस्टी, भरत द प्रोजेक्ट हेड, एंड हमारे वेरी यंग टीम ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर्स चिन्मयानंदा, अक्षय, विजेत एंड शमंत. Last but not the least, the devotees and supporters from around the world, some of whom are present here from over 15 countries like Argentina, Australia, Austria, Fiji Islands, Greece, India, Italy, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, Sweden, Turkey, the United Kingdom, Ukraine, the USA, Maldives and Indonesia. Aap sabhi ko bahut bahut dhanyawad. We are very, very grateful to you for all that you have done for the sake of this trust. And I'm sure this venture, under the guidance of the Prime Minister, who has taken up so much upon himself, आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. तो इस अमृत काल में ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास को सदा आपका समर्थन मिलता रहे, इस आशा के साथ पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए, हमारा भारत वो पुण्य भूमि, हमारी भारत की भूमि जहाँ पर कोई भी निस्वार्थ संकल्प पूरा हो सकता है, तो एक संकल्प एक और लेता हूँ मैं आज बाबा की कृपा से, कि बाबा के 100वें जन्मोत्सव में जब 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल तैयार हो जाएगा, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों नवंबर 2025 में लोकार्पित हो, ये मेरी प्रार्थना है, ये संकल्प है और ये जरूर ये संकल्प पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है. आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुधाकर, आप सभी के सहयोग से ये सब संभव हो सका है. आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಟ್ಕಡೆಯ ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೇಶ ರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಜಿಯವರೇ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಯವರು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್, ದ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಐ ಬೀನ್ ಸೋ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನೌಡೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ who had a great vision and great concern for the poorest of the poor in this country. And for the first time, a country with 130 million, the premier of this country has dared to have a program, Health for All, through Ayushman Bharat. He is a man who dares to dream most difficult things, and he is a man who can achieve the most difficult things. And the services of Ayushman Bharat to almost all citizens has been very well established. And I am really happy and proud to say that Karnataka has got the highest number of Ayushman card. More than 1.5 crores of the Ayushman cards are there. And today we are thus serving the people under the guidance of our Honorable Prime Minister. I congratulate Madhusudan Sai, Narasimhamurthy and Dr. Srinivas putting up a hospital of a world class and for the poorest of poor.
and it's also totally free, which is really unbelievable during this time. It's really amazing. So here is a culmination of great personalities, a man who has created health services for the poorest of poor in the country, and a samstha and an institution, and a head Madhusudan Sai is giving the free medical services for the poorest of poor. So this is a day which all the poor people of this country should have a ray of hope, and they should really have a Atma Vishwas, and this is the real Atmanirbhar Bharata. Thank you. Dhanyavadagalu, sir. The Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research is an endeavor to bridge the healthcare gap in India by enabling access to medical education for the rural youth of the country. यह चिकित्सा संस्थान चरक संहिता में वर्णित शपथ के अनुरूप ऐसे चिकित्सा कर्मियों को निर्मित करेगा जो केवल मानवता के हित में कार्य करेंगे. We now humbly invite our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to unveil the inaugural plaque of the Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research by the press of a remote. We will have a short film screened on the service initiatives. Shri Satya Sai Baba ke adarshon ke anurup tatha mananiya pradhanmantri Shri Narendra Modi ji ke amrit kaal ki parikalpana ke sanyojan mein vigat 10 varshon mein sadguru Shri Madhusudan Sai ne vasudhaiva kutumbakam ki bhavna mein poshan shiksha swasthya tatha samajik kalyan ke kshetra mein अनेक निःशुल्क संस्थान स्थापित किए हैं. पोषण. कुपोषण रोकने के लिए समर्पित पोषण अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रौद्योगिकी, जनभागीदारी और श्री अन्न को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है. इन्हीं बिंदुओं को समायोजित करता अन्नपूर्णा प्रातःकालीन पोषाहार कार्यक्रम और साईश्वर बहुपोषक तत्व परिपूरक भारत में 12 लाख से अधिक तथा विदेशों में 5000 से अधिक शालेय विद्यार्थियों की अगोचर भूख को शांत करता है. इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण में प्रत्यक्ष कमी आई है. विशेषकर बालिकाओं की रक्ताल्पता में भी उल्लेखनीय कमी आई है. जल जीवन मिशन के अनुरूप अन्नपूर्णा न्यास 5 लाख से अधिक ग्रामीणों को प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है. शिक्षा. श्री सत्य साई गुरुकुलम संस्थान समूह भारत में स्थित 27 परिसरों में तथा अन्य देशों में स्थित 3 परिसरों में 5000 से अधिक विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों पर आधारित विद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क प्रदान कर रहा है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विस्तार पर चर्चा करते हुए बेटियों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर बल दिया था. श्री सत्य साई गुरुकुलम समूह बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही साथ आजीविका भी प्रदान करते हुए ग्रामीण बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रहा है. माननीय प्रधानमंत्री ग्रामोदय से भारत उदय के अभियान पर है. इसी के अनुरूप श्री सत्य साई मानव अभ्युदय विश्वविद्यालय और श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा का निःशुल्क उपहार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक रूप से समर्पित सक्षम और करुणामय शिक्षक और चिकित्सक सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे. स्वास्थ्य संरक्षण. भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मूलभूत सिद्धांतों के समायोजन में सदगुरु श्री मधुसूदन साई ने एक करुणापूर्ण स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली को अपनाया है. विश्व की विशालतम पूर्णतया निःशुल्क श्री सत्य साई संजीवनी बाल्य हृदय चिकित्सालय श्रृंखला भारत में 10 चिकित्सालयों और विदेशों में 2 चिकित्सालयों के माध्यम से जन्मजात हृदय रोगों के वैश्विक दायित्व को संबोधित कर रहा है. कर्नाटक के सत्य साई ग्राम में स्थित
श्री सत्य साई सरला स्मृति चिकित्सालय प्रतिदिन 1000 से अधिक बाह्य रोगियों को तथा 300 से अधिक आंतरिक रोगियों को उच्च गुणवत्ता युक्त अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना की अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त चिकित्सालय उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के निर्माण हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगामी 10 वर्षों में संपूर्ण भारत के प्रत्येक तालुक में 6000 साई स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सबके विकास के उद्देश्य से सक्रिय पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के हमारे समस्त परमार्थ कार्य हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों में योगदान का हमारा विनम्र प्रयास है। अब हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, सदगुरु श्री मधुसूदन साई जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव देवी और सज्जनों, कर्नाटक एला सहोदर सहोदरी नमस्कार। आप सभी इतने उमंग और उत्साह के साथ अनेक सपने लेकर के, नए संकल्प लेकर के सेवा की इस महान प्रवृत्ति में जुड़े हैं। आपके दर्शन करना ये भी मेरे लिए सौभाग्य है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चिक्कबल्लापुरा आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है। अभी मुझे सर विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि का और उनके म्यूजियम पर जाने का सौभाग्य मिला। इस पुण्य भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। इस पुण्य भूमि से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने किसानों सामान्य जनों के लिए नए इनोवेशन किए, इंजीनियरिंग के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए। साथियों, इस धरती ने सत्य साई ग्राम के रूप में भी सेवा का एक अद्भुत मॉडल देश को दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जिस प्रकार मानव सेवा का मिशन यहां चल रहा है वो वाकई अद्भुत है। आज जो यहां मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है इससे मिशन और सशक्त हुआ है। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हर वर्ष अनेक नए प्रतिभावान डॉक्टर देश की कोटि कोटि जनता की सेवा में राष्ट्र को समर्पित करेगा। मैं संस्थान को और चिक्कबल्लापुरा यहां के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तो लोग पूछते हैं
कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा, इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा। इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। कर्नाटका में तो संतों, आश्रमों, मठों की महान परंपरा रही है। ये धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आस्था और अध्यात्म के साथ साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सशक्त करती रही है। आपके संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य भी सबका प्रयास की भावना को ही सशक्त करते हैं। साथियों, मैं देख रहा था, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसे सरकार के साथ साथ जो दूसरे संगठन है उनके लिए भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलना अब आसान हो गया है। सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सामाजिक सेक्टर हो, सांस्कृतिक गतिविधि हो, सभी के प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, less than 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। साथियों, पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आजादी के 75 वर्षों में जितने डॉक्टर देश में बने उतने डॉक्टर अगले 10 साल में बनने जा रहे हैं। ये जो काम देश में हो रहा है उसका लाभ कर्नाटका को भी मिल रहा है। कर्नाटका में आज लगभग 70 मेडिकल कॉलेज है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से जो मेडिकल कॉलेज बीते वर्षों में बने हैं उनमें से एक यहां चिकबल्लापुरा में भी बना है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तो हमने 150 नर्सिंग संस्थान बनाने की भी घोषणा की है। इससे नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए बहुत अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के मेडिकल प्रोफेशन के सामने रही एक चुनौती का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगा। इस चुनौती की वजह से गांव के, गरीब के, पिछड़े समाज के युवाओं के लिए डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल था। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ दलों ने भाषाओं का खेल खेला, लेकिन सही मायने में भाषा को बल देने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ।
कन्नड़ा तो इतनी समृद्ध भाषा है, देश का गौरव बढ़ाने वाली भाषा है। कन्नड़ा में भी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, इसके पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाए। ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवार को बेटे बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके। गरीबों के हित में काम करने वाली हमारी सरकार ने कन्नड़ा सहित सभी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक देश में ऐसी राजनीति चली है जहां गरीबों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, जबकि भाजपा सरकार ने गरीब की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना है। हमने गरीब और मिडिल क्लास के आरोग्य को प्राथमिकता दी है। हमने देश में सस्ती दवाओं की दुकानें, जनऔषधि केंद्र खोले हैं। आज देश में लगभग 10,000 जनऔषधि केंद्र हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा हमारे ये कर्नाटका में ही है। इन केंद्रों की वजह से कर्नाटका के गरीबों के हजारों करोड़ रुपए दवाओं पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, मैं आपको वो पुराने दिन भी याद कराने को कहूंगा जब गरीब इलाज के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। भाजपा सरकार ने गरीब की इस चिंता को समझा, उसका समाधान किया। आज आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवार के लिए अच्छे अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। भाजपा सरकार ने गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की गारंटी दी है। कर्नाटका के भी लाखों लोगों को इस योजना का लाभ हुआ है। साथियों, पहले हार्ट सर्जरी हो, नी रिप्लेसमेंट हो, डायलिसिस हो, ये सब भी बहुत महंगा होता था। गरीबों की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इनको भी सस्ता कर दिया है। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा ने भी गरीबों के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। साथियों, हम स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों में माताओं बहनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जब मां का स्वास्थ्य, मां का पोषण बेहतर होता है तो पूरी पीढ़ी का स्वास्थ्य सुधरता है। इसलिए चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, मुफ्त गैस कनेक्शन की योजना हो, हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना हो, मुफ्त सैनिटरी पैड्स देने की योजना हो, या पौष्टिक खाने के लिए सीधे बैंक में पैसे भेजना हो, ये सब माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी भाजपा सरकार सतर्क है। अब गांवों में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, वहां पर ऐसी बीमारियों की स्क्रीनिंग का प्रयास हो रहा है। मकसद यही है कि शुरुआती दौर में ही बीमारियों की पहचान की जा सके। इससे माताओं बहनों के जीवन पर बड़े संकट को हम रोकने में सफल हो रहे हैं। मैं बोम्बाई जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि कर्नाटका में भी 9,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। हमारी सरकार बेटियों को ऐसा जीवन देने में जुटी है जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे और आगे जाकर के संतान भी स्वस्थ रहे। भाइयों और बहनों, आज मैं कर्नाटका सरकार की एक और वजह से प्रशंसा करूंगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एएनएम और आशा बहनों को और सशक्त किया है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स दिए गए हैं, उनका काम आसान बनाया गया है। कर्नाटका में आज लगभग 50,000 आशा और एएनएम कार्यकर्ता हैं, लगभग 1,00,000 रजिस्टर्ड नर्से और दूसरे हेल्थ वर्कर हैं। डबल इंजन सरकार इन सभी साथियों को हर संभव सुविधाएं देने के लिए जीवन आसान बनाने के प्रयासरत है। साथियों, आरोग्य के साथ साथ माताओं, बहनों, बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी डबल इंजन सरकार का पूरा ध्यान है। ये धरती तो मिल्क और सिल्क की धरती है। यह हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों के लिए भी
किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुनिश्चित की है। पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान भी हमारी सरकार ने शुरू किया। इस अभियान पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार का यह भी प्रयास है कि डेयरी कोऑपरेटिव में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़े। गांव में महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी सशक्त किया जा रहा है। साथियों, जब देश स्वस्थ रहेगा, जब विकास में सबका प्रयास लगेगा, तो विकसित भारत का लक्ष्य हम और तेजी से प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी साथियों को मानव सेवा के उस उत्तम प्रयास के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान साई बाबा से मेरा बहुत निकट संबंध रहा और हमारे श्रीनिवास जी से भी काफी नाता रहा पुराना, करीब 40 साल हो गए इस नाते को। और इसलिए न मैं यहाँ अतिथि हूँ, न मैं मेहमान हूँ, मैं तो आप ही के यहाँ की इस धरती का ही संतान हूँ। और जब भी आपके बीच आता हूँ तो रिन्यू हो जाता है नाता, पुरानी यादें ताजा हो जाती है और अधिक मजबूती से जुड़ने का मन कर जाता है। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।